पहले तो पैरासमरी क्लास के पहले क्या आई एम स्विच ऑन द कैम एज वेल, कैन यू गाइस सी मी? नो यस, नो यस, देख पा रहे हैं आप मुझे? देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड. क्या चल भाई? सेशन स्टार्ट एट 8:15 PM शार्प, 4 मिनट बाकी. हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल, लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन. मैं थोड़ा शॉर्ट के अंदर तुम्हें बताता हूँ भाई हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल एज वेल. डिटेल सेशन अपन बाद में करेंगे, अभी इधर उधर के क्वेश्चन छोड़ देना और अपन जैट फॉर्म्स आउट. अरे मेरी जान, अभी चिल करो, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा ठीक है कौन से होने के. पहले बात प्रोफाइल क्या होता है फटाफट सुन लेते हैं ठीक है. शुड आई डू एंगेज 7x इन दिस मंथ? सक्षम विल स्पीक अबाउट दैट इन सम टाइम ठीक है. डन विद एंगेज 7x, एनीथिंग एल्स वी कैन डू? ग्रेट, विल स्पीक अबाउट दैट. सुनो अभी मेरी बात ठीक है. हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस? अरे क्या बात है, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इट नीड्स डिटेल डिस्कशन. पहले हम प्रोफाइल की बात कर रहे हैं. चलो भाई सुन लो फुल कंसेंट्रेट. प्रोफाइल तीन तीन चीज़ें होती हैं, अकेडमिक्स, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर. सुन लीजिए, सब छोड़ दीजिए, अकेडमिक्स, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर. कई जगह पे साथ में W ऐड हो जाता है. W का मतलब है वर्क एक्सपीरियंस ठीक है. ध्यान सुनिए, प्रोफाइल के लिए इंडिया के अंदर कौन से कॉलेजेस हैं? अभी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव गॉन प्रोफाइल बेस्ड. आई एम अहमदाबाद भी प्रोफाइल बेस्ड हो गया. आई एम अहमदाबाद थोड़ा सा वियर्ड प्रोफाइल बेस्ड है, इसके बारे में बात करते हैं. बैंगलोर भी प्रोफाइल बेस्ड हो गया. इनफैक्ट काफ़ी सारे इंजीनियर्स को बैंगलोर का 96-97% जनरल कैटेगरी में भी कॉल आया, 95 वालों के लिए भी आया ठीक है. बताता हूँ क्यों आता है, कैसे आता है. और कैलकटा भी थोड़ा बहुत प्रोफाइल बेस्ड हो गया फॉर श्योर. एंड इफ आई टॉक अबाउट FMS बिल्कुल प्रोफाइल बेस्ड नहीं है. जमनाल बजाज बिल्कुल प्रोफाइल बेस्ड नहीं है. FMS का जो फर्स्ट लेवल शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके बारे में कोई प्रोफाइल की टेंशन नहीं है आप लोगों को. एक बड़ा ही दिग्गज कॉलेज है, किसी को पता है इंडिया का बेस्ट प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज कौन सा है? एनीवन नोज? इंडिया का नंबर वन प्रोफाइल बेस्ड, इस बार तो ZBS प्रोफाइल बेस्ड हो गया, IFT प्रोफाइल बेस्ड हो गया, एनीवन नोज? अरे वाह क्या बात, सबको पता है, क्या बात है. SPJIMR बॉम्बे ठीक है, SPJIMR बॉम्बे. मैं तुम्हें एक बार कभी ना उसकी SPJIMR का फॉर्म निकाल के दिखा दूंगा, फॉर्म अभी आने में टाइम है. बट SPJIMR बॉम्बे की बात करते हैं. वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अबाउट SPJIMR बॉम्बे, नीचे वाले अपने आप सेट हो जाते हैं. बिकॉज ये दिग्गज कॉलेज है, ये बचपन से प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है. फ्रॉम द डे द कॉलेज वॉज बिल्ट तब से SPJIMR बॉम्बे प्रोफाइल बेस्ड है. सुन लीजिए प्रोफाइल क्या होता है. अकेडमिक्स आपके नंबर ठीक होने चाहिए, 777-888-999 जो भी है. देखो अकेडमिक्स के बारे में रोना मत. मेरा आज सुबह का यूट्यूब वीडियो किसी ने देखा था, चोट वाला, कंधे पे चोट लगी हुई, किसी ने देखा कि नहीं देखा? देख लेना, 2 मिनट का वीडियो है वो देख लेना. अकेडमिक्स अपन चेंज नहीं कर सकते, तुम्हारा जो भी परसेंटेज है जैसा भी उसको बदल नहीं सकते. को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर आप लोग काफ़ी चेंज कर सकते हैं, इनसे आप बिल्ड इन कर सकते हैं. वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है, कितने वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, जस्ट टाइप इन योर मंथ्स, कितना वर्क एक्सपीरियंस आपका? 000 कितना है? 0, 1, 2, 3 फ्रेशर हो तो ओके ग्रेट, 3 years एक्सलेंट, गुड स्टफ. आप लोगों को वर्क एक्सपीरियंस के भी मार्क्स मिलते हैं कॉलेजेस के अंदर ठीक है. कई कॉलेजेस के अंदर मार्क्स मिलते हैं, कई कॉलेजेस के अंदर मार्क्स नहीं मिलते हैं. प्लीज़ एक बात जान लेना, वर्क एक्सपीरियंस लेने से इतनी दिक्कत मत देना कि भाई मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा. हर कॉलेज के अंदर, ऑल द टॉप फैम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 25-30% तक बच्चे फ्रेशर्स हैं. फ्रेशर्स को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? लेस देन 12 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस को अपन लोग फ्रेशर काउंट करते हैं ठीक है. IITian ओके ग्रेट ग्रेट, ओ बिल्कुल बिल्कुल अमित अच्छे से पढ़ो. उमर इज नॉट अ फैक्टर. आई नो पीपल 31 years old सिटिंग इन नारसिमोजी. आई नो पीपल 32 years old ऑल्सो सिटिंग इन टॉप बिजनेस स्कूल्स ठीक है. फुल कंसंट्रेशन बच्चों, पहली बात 25-30% तक. अहमदाबाद की बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर 35% पीपल वर फ्रेशर्स विद जीरो वर्क एक्सपीरियंस. एक और बात याद रखना, काफ़ी लोग बोलते हैं यार मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस यार है नहीं सर, मेरा क्या होगा? यार एक बात याद रखना, वर्क एक्सपीरियंस गाइस कंपीट विद वर्क एक्सपीरियंस गाइस. 36% थैंक यू फॉर दैट. वर्क एक्सपीरियंस गाइस कंपीट विद वर्क एक्सपीरियंस गाइस, फ्रेशर्स कंपीट विद वर्क फ्रेशर्स. मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुनिए. सपोज करो तुम लोग सब के हूँ, सपोज करो तुम लोग सब फ्रेशर हो ठीक है, सब लोग तुम फ्रेशर हो और वर्क एक्सपीरियंस वाले कुछ लोग हैं से 70%. वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदों को सबको मार्क्स मिलेंगे ठीक है, 2, 2, 3, 3, 5, 5 आउट ऑफ 10 मिलते हैं, आउट ऑफ 5 मिलते हैं. जब हर ध्यान सुनना, जब हर बंदे को वर्क एक्स वालों को मार्क्स मिल गए 2, 5, 8, 8 ठीक है, बाकी सब फैक्टर सेम है, और जब हर बंदे को वर्क एक्सपीरियंस वालों को 5, 5, 5, 5 नंबर मिले तो दिस गाय स्टार्ट कम्पीटिंग विद द फैक्टर ऑफ ओनली दीज पीपल ओनली. ये आपस में कम्पीट करता है, जो फ्रेशर्स हैं वो फ्रेशर्स की, बिकॉज कॉलेज एक कोटा को सेट कर लेता है कि मेरे को इस बार 80% बच्चे फ्रेश नॉन वर्क एक्स वाले चाहिए से 20% उल्टा चाहिए. या अहमदाबाद की बात करें, किसी ने बताया 36% हमें फ्रेशर चाहिए, तो कॉलेज ने जब फिक्स किया हुआ है तो उनको पता है कि भाई मेरे को वर्क एक्सपीरियंस वाले इतने होने चाहिए, इतने होने चाहिए. तो भाई तू डर क्यों रहा है, समझ रहा है? अब तुम्हारे हाथ में क्या है? फुल कंसंट्रेशन. ओके, नाउ इज देयर एनी नेगेटिव फॉर वर्क? नो, देयर इज नो नेगेटिव फॉर वर्क एक्सपीरियंस. अप टू 4 और 5 ईयर ऑफ एज आप लोगों को नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे. रिकॉर्डिंग चल रही है, टेंशन मत लो ठीक है. आगे बढ़ते हुए एक और बात, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट एंगेज 7x, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. ये एंगेज 7x क्या है भाई? ठीक है, नाउ वन ये क्या खुल गया? ओके, एंगेज 7x अकेडमी क्या है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी. ये क्या है? देर आर अमेजिंग पीपल, देर आर 5 guys. अनीशा मैम को आप लोग जानते ही हो, अनीशा मैम नारसिमोहन जी के हैं. फुल कंसंट्रेशन, इधर उधर के सवाल सारे बंद. अनीशा मैम नारसिमोहन जी के हैं,
और राधिका सुले मैम जमनाल बजाज के हैं, ये ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ऐश्वर्या मैम कर लिया, हाउ इज़ इट कार्तिक, फीडबैक बताओ जिन लोगों ने किया एंगेज 7x, हाउ इज़ इट, यू एंजॉयड इट, वाज इट अमेजिंग, वाज इट ऑसम, बताइए भाई। मुझे तो काफ़ी रेविंग रिव्यूज़ हैं इसके, अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके ग्रेट, सुन लो, ओके फेबुलस केस स्टडीज, ओके ग्रेट। तेजस श्रीधर डेटा साइंटिस्ट हैं, ये ऐश्वर्या यूएस से पढ़ा, ध्यान सुनो, ये यूएस से पढ़ाती हैं, बॉस्टन से पढ़ाती हैं, काफ़ी अमेजिंग है। और ये अभी श्नाइडर इलेक्ट्रिक और वॉलमार्ट और पता नहीं कौन सी कंपनीज के अंदर इनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, श्नाइडर का इनके पास ऑलरेडी ऑफर है। तेजस श्रीधर सर आई एम इंदौर के हैं, उत्पल सर एक्स जे पी मॉर्गन एक्सेंचर, ऐश्वर्या मैम बेस्ट, ऑल राइट ग्रेट। तो यार ये करवाते क्या पहले वो समझ लो, लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी, एमबीए के अंदर रोल्स क्या क्या होते हैं। देखो जिंदगी में कोई भी काम कर रहा है ना, ऐसे मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ घंटा, अपन दो साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस दो साल के अंदर आई नीड टू गेट द बेस्ट प्लेसमेंट बिकॉज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले तीन से चार साल के लिए, राइट। तो इनको बैठ के आराम से इनको सॉर्ट करना है। राधिका मैम ब्लॉकचेन केस स्टडी एंड अल्कोहल ब्लॉड माय माइंड, क्या बात है, ग्रेट। बोल सर फसल, बिल्कुल निशान सही बोल रहे तू। तो यार लीडरशिप क्यों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉडमैन रोल जो होते हैं, और ये आपको लीडरशिप के टेस्ट लेते हैं, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ है। ब्लॉकचेन इट्स रूलिंग द वर्ल्ड राइट नाउ, क्रिप्टो करेंसी इज रूलिंग द वर्ल्ड, काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, ये भी आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अभी तो सब लोग कर रहे हैं, गूगल सर्च ऐड कैसे रहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करना, लाइव करना इसको, मैं सब लोगों को, कोई भी कर सकता है आदित्य, मैं सब लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार जो भी करना है लाइव करिए, रिकॉर्डेड मत करिए, इज माय एडवाइस, बिकॉज लाइव का मजा ही कुछ और है। आगे देखते हैं, नहीं दीप एक बार कर लिए बहुत अमेजिंग है। डेटा साइंस, यार डेटा साइंस हाईएस्ट पैकेजेस जो आजकल कंपनीज में ऑफर कर रहे हैं, डेटा आपको तीन दिन का एक आई एम इंदौर का बंदा जो डेटा साइंटिस्ट खुद है उसके साथ बैठ के मौका मिलता है। स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग में जाना है थोड़े केस स्टडी करो, नाइकी केस स्टडी, बाय द वे ये थोड़ा हैवी कोर्स है, हैवी कोर्स है, मजाक नहीं है, ये टाइम पास नहीं हो रहा है। जिन लोगों को लर्न करना है और सर्टिफिकेट भी चाहिए फॉर श्योर, सर्टिफिकेट के लिए तो करना ही करना, बट लर्निंग के लिए करना, बिकॉज देर आर 15 डेज और आपको एक से लेकर डेढ़ घंटा रोज करवाना है, ठीक है, एक से लेकर रोज डेढ़ घंटा बताना है। जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कल को ट्रस्ट मी देर पीपल इन साइड FMS, देर पीपल इन साइड IIM अहमदाबाद हु हैव डन दिस कोर्स आफ्टर दे कन्वर्टेड एज वेल, कि वो भाई क्या क्या करना है, देर पीपल हु जस्ट जॉइंड आफ्टर, भाई मेरा सर कॉल आ गया क्या करना है, एंड देर पीपल हु गॉट इनटू SPGN बॉम्बे बिकॉज कोर्स पहले कर लिया था। अभी फायदा क्या है करने का, आपको SPGN बॉम्बे जैसे कॉलेज के अंदर FMS के अंदर SOP भरना पड़ेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भरना पड़ेगा, सो इट्स एन अमेजिंग थिंग एंड आई गॉट रेविंग रिव्यूज, आई होल हार्टेडली टेल यू टू डू दैट। कुछ आई थिंक 6000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो तुम वेबसाइट पे चेक कर लेना अगर करना है तो। बाय द वे जो हार्वर्ड की केस स्टडीज करते हैं ये लोग, ठीक है, जो हार्वर्ड की केस स्टडीज की हैं वो काफ़ी अमेजिंग होती हैं। कल को तुम किसी भी बिजनेस स्कूल जाते हो, HBR केस स्टडीज की ही बात करते हैं, ये काफ़ी काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। प्रोफाइल बनाना है अभी के लिए, 15 दिन से ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इनको कर लिए और मजा करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है इसके बाद जाके ट्राई टू फाइंड सम इंटर्नशिप्स, और ये पांच आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसके अंदर एक चीज़ के अंदर डीप डाइव करो, करने के बाद सपोज करो ब्लॉकचेन, ट्राई टू फाइंड सम इंटर्नशिप्स इन ब्लॉकचेन इफ यू गाइस कैन। डिजिटल मार्केटिंग तो भाई इट्स रूलिंग द वर्ल्ड राइट नाउ, द वर्ल्ड इज डिजिटल। स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग मार्केटिंग जब तुम केस स्टडीज करेंगे वो काफी काफी अमेजिंग है, 15 दिन लगाइए, बैक टू बैक दीज टीचर्स आर टीचिंग लाइव राइट नाउ, ये आपको काफी हेल्प होगा, मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम है बताना। बिल्कुल बिल्कुल, यू गाइस कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एवरी मंडे और थर्सडे, ये लोग ऐसे पढ़ाते हैं मंडे थर्सडे, और आई थिंक मंडे एंड थर्सडे दो दिन है जब नए बैच ज्वाइन करते हैं, जब तुम ज्वाइन करते हो तुम्हें एक काउंसलिंग वगैरह सेशन होता है, बताते हैं कैसे इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। जिनको भी HR करना है कर सकते हो, HR का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीडरशिप, ब्लॉकचेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंस ऑपरेशंस एवरीथिंग, डिजिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। देखो एक इंपॉर्टेंट बात डिजिटल के बारे में सुन लो भाई, मार्केटिंग का नाम अभी चेंज हो गया, मार्टेक हो गया है, ठीक है, मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी। गधों की तरह कोई भी अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, ज़्यादा के बड़े बिलबोर्ड नहीं लगाता है, दे चेक दिस अप। नंबर वन डेटा साइंस, एवरीथिंग इज गेटिंग डेटा साइंस। फाइनेंस, फाइनेंस का बैकग्राउंड, फाइनेंस इज मूव टू फिनटेक, द लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन फिनटेक राइट नाउ, फाइनेंस फिनटेक करना बहुत जरूरी है। ब्रांड मार्केटिंग सेल्स के ऊपर भी काफी अमेजिंग चीज है, यू गैस कैन चेक इट ऑन द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, नाइकी का केस स्टडीज कैसा है, और HBR केस स्टडी भाई MBA के अंदर आप लोगों को जाके यही चीज करनी है, ठीक है, तो करिए, इट्स गॉन बी रियली अमेजिंग। कंसल्टिंग, कंसल्टिंग पता है क्या होता है, वेरी गुड, कंसल्टिंग क्या होता है, पहला 6 महीने तेरा रोल स्ट्रेटजी का रोल हो सकता है, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगला 6 महीने तेरा रोल ब्लॉकचेन हो सकता है, अगला 6 महीने तेरा रोल हो सकता है चलो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या करना चाहिए, यू कुड बी डूइंग अ कैंपेन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई रिमेंबर देयर वाज अ लेडी हु वाज स्टूडेंट विद us and then she was working with us part time, I am Bangalore graduate, she was doing a smart cities project with government of India, समझ रहे हो, तो ये काफी काफी अमेजिंग चीज है। तो कंसल्टिंग वाले क्या करते हैं, सब काम थोड़ा थोड़ा करते हैं, ठीक है, होप दिस इज हेल्पफुल, ऑलराइट, होप दिस इज हेल्पफुल, मैं आपको बता दिया, यस और नो, ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट, तो इसको कवर करिए, इट्स गॉन बी रियली हेल्पफुल, चलिए।